शहर में कोरोना के अब तक 19 पॉजिटिव मरीज हैं, ऐसे में और भी मरीज बढ़ सकते हैं। ऐसे में शहर के बाहर आइसोलेशन केंद्र होना चाहिए। इसके लिए मनपा और जिला कार्यालय के अधिकारी द्वारा जवनलाल बजाज प्रशासकीय भवन में मीटिंग ली गई और सबसे नीचे माले का मुआयना भी किया गया। कोरोना वायरस इस महामारी से निपटने के लिए पूरा देश इस काम पर लग चुका है। राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा जिला प्रशासन को कुछ आदेश दिए गए हैं, जिसका पालन बखूबी के साथ जिला प्रशासन कर रहा है। नागपुर में कोरोना वायरस के अब तक 19 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मेयो एवं मेडिकल के आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। यदि कोरोना वायरस से जुड़े और भी संदिग्धों की संख्या बढ़ जाती है या कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं, ऐसे में शहर के बाहर जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन के सबसे नीचे के माले पर आइसोलेशन सेंटर बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके लिए जिला प्रशासन इस काम पर लग चुके हैं। शहर का ये वही जमनालाल बजाज प्रशासकीय भवन है, जहाँ पे कल मनपा आयुक्त और ये तमाम जिला अधिकारी के तमाम जो विभाग हैं, उन लोगों की यहाँ पे मीटिंग हुई है। मीटिंग इसलिए हुई थी, यदि कोरोना वायरस के और भी लोग जो पाए गए या पाए जाएंगे, उन लोगों के लिए जो बेड जो होंगे वो यहीं सजाए जाने वाले हैं, क्योंकि शहर से बाहर ऐसी जगहों पे ये जमनालाल प्रशासकीय भवन है। और नीचे में आप जो पोर्शन दिखाई दे रहे हो, ये जो फर्स्ट माला है, ये अप्रूव किया गया है। अब एक मीटिंग होना बाकी है, एक मीटिंग के बाद में ये पूरा तय हो जाएगा कि ऊपर का भी वो फ्लोर देने वाले हैं या थर्ड फ्लोर देने वाले हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि नीचे का जो फ्लोर, जो गार्ड लोग आप वहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जो एम्बुलेंस वहाँ पर गार्ड गाड़ी दिखाई दे रही है, तो वो जो फर्स्ट फ्लोर है, वो उस फर्स्ट फ्लोर में कई बेड लगने वाले हैं और तकरीबन 500 से 1000 बेड भी वहाँ लगाए जा सकते। इतना बड़ा वो प्रशासकीय भवन है। अब देखना ये होगा कि कोरोना टाइम या जो कोरोना वायरस से जो मरीज हैं, उनके लिए ये बेड कब तक मुहैया होता है और यहाँ भी एक सेंटर लगता है। प्रशासकीय भवन से कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मीरे, INBCN न्यूज़ नागपुर।